रह गए थे जिनको हम लोग पिछले सत्र में समय की कमी के कारण अवसर नहीं दे पाए थे, उन लोगों का मूल्यांकन सुनेंगे। चेतना अहिवार से शुरू करेंगे। हर्षिता भी चलिए। संध्या मालवीय। वैशाली अहिवार। मोहिनी टाइम। रंजना गुरु। माइक दे दीजिए जी। नहीं बताइए क्या सुझाव देना चाहेंगी हम सब लोगों को इस वर्कशॉप के बारे में? आप ऐसी कार्यशाला पूरे मध्य प्रदेश के सारे स्कूल और सारे कक्षा के लोगों को मिले। सिर्फ मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश के बाहर नहीं? बाहर बाहर भी। आपको समृद्धि समझ में आई क्या? आप पेन में समृद्ध हो कि गरीब हो? समृद्ध। कितने पेन है आपके पास? 20। और कितने की आवश्यकता है? 10। तो 10 अधिक है। जो 10 अधिक है उसका क्या करेंगे? रखेंगे, खत्म हो जाएगी तो। अच्छा, कपड़े कितने हैं आपके पास? सर गिने नहीं। गिने नहीं अभी। कितने की आवश्यकता है? 25। 25। तो 25 से कम होंगे कि ज्यादा होंगे, अनुमान क्या है? कम कम होंगे। और खरीदना पड़ेगा। 6 दिन कैसे लगे आपको यहाँ? 6 दिन जो बीत रहे हैं इस कार्यशाला में कैसे लगे? अच्छा लगा, खराब लगा? अच्छा लगा। आपने जैसा पढ़ाया वो सब समझ आया। अच्छा, दोबारा कार्यशाला होगी तो आएंगे क्या? यस सर। आके ऐसे चुपचाप बैठ जाएंगे कोने में? पढ़ेंगे आप जो पढ़ाएंगे। अच्छा, घर में बातचीत हुई कुछ इस पूरी बात पे? यस सर, दीदी से हुई थी। दीदी से हुई थी। क्या कहा दीदी ने? दीदी ने बोला बहुत अच्छे से पढ़ा रहे होंगे सर, और अच्छे से पढ़ना। तो झगड़ा दीदी से कुछ कम हुआ या पहले जैसा बना हुआ है? पहले जैसा बना। ठीक है, बैठो बैठो। सिखा साक्य, सिखा साक्य जी, सिखा सिखा। कोई बात नहीं, कर रहे बोल दो क्या अभी हो जाए कुछ भी डर लगता उसको। मैं कोई लोग उसकी तरफ नहीं देखो, वो सबकी तरफ देखो। बताओ, नाम बताओ। मेरा नाम शिवा शाक्य है और मुझे अच्छी लगी कि हमें अपनी सुविधा की पहचान रखनी चाहिए और अपनी सुविधा को भी पहचान जी। इससे समृद्धि में आसानी होगी जी। आपको 6 दिन कैसा लगा यहाँ? अच्छा लगा। अगली बार कार्यशाला होगी तो आप समय लगाएंगे इसमें? और कोई सुझाव देना चाहती हैं आप? नहीं। घर में किसी से बातचीत हुई इस पूरी चर्चा पर? किससे क्या कहा मम्मी ने? सरिता से। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा।
दोबारा करना चाहोगे? यस सर। इसमें आपको ये समझ, आपके पास कितने पेन हैं? 10। कितने की आवश्यकता है? 20। तो 10 कम है ना? यस सर। कोई चीज ऐसी है जो आपकी आवश्यकता से अधिक है आपके पास? नो सर। नहीं। अच्छा, और आपको कल्पना शीलता में कुछ दिखा? यस सर। क्या दिखा उसमें? सुखी हुई, दुखी हुई कल्पना? सुखी हुई। दुखी भी हुई कहीं? यस सर। बता सकती हो कहाँ? नो सर। अच्छा, ये कार्यशाला दोबारा करोगी? यस सर। अपने मन से या डांट वांट पड़ेगी तो? अपने मन से। अपने मन से। सोनी भाई, मेरा नाम सोनी है और मैंने 5 दिनों में लंच को समझा, 6 दिनों में मैंने लंच को समझा और मैंने संबंध सुविधा और से स्वीकार माने नहीं जाते, ये मुझे अच्छी तरीके से समझ आया। कोई सुझाव देना चाहेंगे आप? इस कार्यशाला के बारे में अच्छा था, फिर से करना चाहेंगे आप? यस सर, करना। सना को ले क्या सोचती हैं, इस तरह की कार्यशाला और बच्चों के लिए होना आवश्यक है या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अच्छा, अगली बार होगी तो आप उसमें भाग लेंगे इस कार्यशाला में? यस सर। घर में चर्चा हुई कुछ आपकी? नहीं। यहाँ पर जो है किसी ने आपका अपमान किया है? नहीं। सम्मान सबका। आप लोगों का अपमान करते हैं? झगड़ा हो? कल्पना शीलता देख पाए? नहीं देख पाए। कोई लोग रह गए हैं जो अपनी बात अभी तक बच्चों में कोई अपनी बात अभी तक अगर नहीं कह पाया है, कोई रह गया? टीचर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्या वो अपनी बात कहना चाहती है? ठीक हो गए? तो इस कार्यशाला को आप दोबारा करना चाहोगे? तो इसमें आपको परिवार व्यवस्था में कुछ बात समझ आई? विश्वास ठीक लगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आया कि सम्मान? तो आप सम्मान में दूसरा आपके जैसा है ये सम्मान है या दूसरा आपसे अधिक बड़े पद पर बैठा है ये सम्मान है? दूसरा हमारे जैसा। और कोई सुझाव देना चाहोगे आप इस कार्यशाला के लिए? और कोई स्टूडेंट में, छात्रों में कोई छात्राओं में कोई है? थोड़ा सा कोई बात नहीं, अगले कार्यशाला। अगर हम अपना पूरा लक्ष्य और कार्यक्रम को देख लक्ष्य को देखें, है ना, उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है? समझ, संबंध और सुविधा में से सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज? सही समझ। तो अपनी सही समझ के लिए आप लोग कुछ कार्यक्रम बना रहे हो कि जब कोई आता है तभी कुछ कार्यक्रम बनता है? कुछ कार्यक्रम आपको अपनी सही समझ के लिए। अच्छा, ये अपने मन से बनाओगे या कोई दूसरा बोलेगा तब बनाओगे? अपने मन से। बहुत अच्छा। और आपकी क्लास में तो दूसरे आपके क्लासमेट्स हैं, दूसरे बच्चे हैं, उनको आप सही समझने में सहयोग करोगे? या उनकी खिंचाई करोगे? उनको नहीं समझने में सहयोग करेंगे।
अभी कभी कभी फिजाई भी करते हो कि नहीं? बहुत करते हैं। जैसे पूछती है कि रेणुका ना कैसे खिंचाई, जैसे कोई कुछ बोल रहा है और उसको हम गोली मार रहे हैं, या कोई बोल रहा है तो हम उसके ऊपर हंस रहे हैं, है ना, या कोई बोल रहा है तो हम उसके ऊपर कुछ कमेंट कर रहे हैं, तो दूसरे को हम क्या करेंगे, सहयोग करेंगे उसका, है ना। तीसरा, जो स्कूल है ये आपका स्कूल है या किसी और का स्कूल है जहाँ पे आप आ रहे हैं, तो इसमें आपकी कुछ भागीदारी है कि नहीं है? जैसे कि इसको साफ रखना किसकी जिम्मेदारी है? आपकी भी है, है ना, आपकी भी है। तो आप लोग अपनी सही समझ के लिए खूब अच्छा सा कार्यक्रम बनाओ, अपने अपने मन से, अपने जो क्लासमेट्स हैं उनका विकास हो, उनके अंदर भी सही समझ हो, उसके लिए भी कुछ हेल्प करो, और खिंचाई को अधिक करो कि कम करो, कम करो, क्या बंद करो, बंद करो, चलो कम करो, कम से कम कम करो। तो ये तो बात हो गई। और इस पे सबसे ज्यादा सावधानी क्या रखना है? अपनी सुविधा को तो अपनी सही समझ के लिए करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा सावधानी ये रखना है कि हम अपना जो है वो मूल्यांकन जो है वो जितना है उससे अधिक ना कर ले, सही कर ले हम, हाँ जो हम है। अगर हम ज्यादा करते तो क्या प्रॉब्लम होता है? ईगो पे चला जाता है, ईगो पे चला जाता है, और अगर हम ईगो पे चले जाएंगे तो तो ये सावधानी रखी है आप लोग सब लोग, है ना। और भानु भैया जो है वो, और निशा जी और बाकी सब लोग जो है, हम लोग आपको मिलते रहे कि नहीं? तो हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ऑनलाइन मिल सकते हैं उसका कोशिश कर रहे हैं, और टाइम टू टाइम जब जब भी हो सकेगा तो हम लोग आकर के आप लोग को व्यक्तिगत उसमें मिलेंगे। नहीं, ऑनलाइन तो थोड़ी देर के लिए रह सकते हैं, एक घंटे। जैसे अभी सब लोग जो जुड़े हुए थे वो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए थे थोड़ी देर के लिए, वीडियो आप लोग ने भी कुछ कुछ देखा उसके अंदर से, और आपके सहयोग में इतने सारे आपके टीचर्स हैं जो सब लोग सब नोट कर रहे हैं, कोई बुक बना रहा है, कोई व्यवस्था देख रहा है, कोई ऑब्जर्वर्स है, और भैया लोग जो है सुबह से शाम तक जो कैमरा का काम है और इतने सारे कनेक्शन का, ठीक है, सबका धन्यवाद। आपकी जो वर्कबुक्स है ना आप लोग ने बहुत अच्छे से सुंदर बनाई है, ये बनाने में आपको कुछ समझने में सहयोग हुआ कि नहीं हुआ? जैसे कि कोई कोई उदाहरण दे सकते हैं कि जो वर्कबुक में आपने लिखा उसको करने से आपका कुछ समझने में सहयोग हुआ? सुधार के लिए बड़ा काम कराया।
अच्छी बात है, लेकिन जो असाइनमेंट दिया गया था, जो भी रोज रोज होमवर्क दिया गया था, वो कौन सा होमवर्क था जिसमें से आपको सबसे ज्यादा कुछ समझ में आया? अपने चाय वाला किसको बहुत अच्छा लगा? फर्स्ट असाइनमेंट लिखने वाला वो किसको अच्छा लगा? कोई ऐसे असाइनमेंट अगर अच्छा रहेगा ना, तो हम लोग आपके जो असाइनमेंट्स है उसको कॉपी करके आपके असाइनमेंट वाली किताब में वापस कर देंगे। अच्छा ये बताइए, जो पोस्टर बनाए हैं, ये सारे जो चार्ट्स बनाए हैं, ये बनाना अच्छा लगा किसको? इसको बनाते टाइम कोई चीज समझ में आई क्या? Yes, जैसे एक-एक करके अगर सब लोग एक साथ बोलेंगे तो सहयोग होगा कि लक्ष्य के बारे में समझ में आए। एक-एक करके हाँ सही है। बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगर किसी का कोई असाइन, ये जो वर्कबुक वाला पार्ट है, किसी के पास में है, आपके पास में अपना कोई वर्कबुक का कोई पेज है क्या? ओके, ठीक है, फिर हम लोग आपके वर्कबुक को कॉपी करके फिर आपको वापस लौटा देंगे। वर्कबुक को जो भी अगर सजाना है या कुछ लिखना है उसको लिख करके वापस यहाँ पे रखो। एक मिनट आप लोग बांध दो, आप लोग लेके पास।